यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजन न्यूज की अब तक की ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं हूँ रूज फातिमा और मेरे साथ मौजूद है कानता इम्तियाज। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। माइक्रोनॉक्स के बानी असद रफी का इस्लामाबाद में कामयाब सेशन के बाद अब फूलों के शहर पेशावर में शेल्टन रेजिडोर में बरोज हफ्ता 20 जुलाई को असद रफी साहब का सेशन मुनक्द होने जा रहा है। असद रफी साहब ट्रेनिंग देंगे, स्टार्टअप स्टूडेंट्स और कारोबारी लोग शिरकत कर सकते हैं। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की चची का इंतकाल हो गया है, जिनकी तदफीन में शिरकत के लिए आगा सिराज दुरानी को 3 रोज के लिए रिहाई मिली है। महकमा दाखिला की जानिब से स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की चची के इंतकाल पर उन्हें 3 दिन के लिए आर्जी तौर पर रिहा कर दिया गया है। इस सिलसिले में महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार ने कारगर्दगी की बुनियाद पर सूबाई वज़रा के महकमों में रद्दो बदल कर दिया है। बाज़ वज़रा से महकमे वापस लिए गए हैं, बाज़ के तब्दील कर दिए गए जबकि बाज़ को इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। पंजाब काबीना में रद्दो बदल का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की लाइमी देखिए कि कराची में 7.5 माह कबल इंतकाल कर जाने वाले पुलिस अफसर को MCMC कोर्स में तलब कर लिया गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में जिले पुलिस अफसर के ओहदे पर तैनात रहने वाले SSP हसीब अफजल बेग गुज़श्ता बरस 3 दिसंबर को कराची में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मावन खसूसी बरा इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि माजी में जिले से जानी राजकुमारी और करप्शन के वली अहद समेत दरबारियों के जहाज भरकर दौरों पर जाया करते थे। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुतलका लोगों का मुख्तसर वक्त साथ लेकर और अमरीका के दौरे पर जा रहे हैं। ये होता है दोनों क़यादतों और इनकी सोच का फर्क। आलमी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में इंग्लैंड की जीत में अहम किरदार अदा करने वाले ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का न्यूजीलैंड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया है। आलमी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में इंग्लैंड की जीत में अहम किरदार अदा करने वाले ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का नाम न्यूजीलैंड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया है। बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। उन्होंने वर्ल्ड कप में 66.44 की औसत से 465 रन बनाए जबकि मजमूई तौर पर 7 विकेटें लेने में कामयाब रहे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।